हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे सिंपल और इजी से ट्रिक्स, जिसे यूज करने के बाद आप अपने काजल को लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज थोड़ी खराब लगेगी आपको, तो प्लीज माफ मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में अक्सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि हमारा जो काजल है ना, वो फैल जाता है और जो कि बहुत ही बेकार दिखने लगता है और ना ही वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। तो ऐसे में मैं आज आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जिन्हें यूज कर आप अपने काजल को लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ बना सकते हैं। तो गर्मियों में आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपना आईज का मेकअप करते हैं या फेस का मेकअप करते हैं, तो आप एक आईज क्यूब जरूर अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा और आईज पर भी। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक आईज क्यूब लूंगी और इसे अपने आईज पर इस तरीके से अप्लाई करूंगी। और सबसे पहले मैं अपनी आईज पर, आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आईज पर एक आईज क्यूब लगा लूंगी। इस तरीके से आपने कॉटन क्लॉथ ले लेना है और इसमें अच्छे से बर्फ को रैप कर अपनी आईज पर लगा लीजिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी आईज पर बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है और जिसकी वजह से उनका जो मेकअप है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, इससे आपका मेकअप भी जल्दी नहीं निकलेगा। और सेकंड जो ट्रिक है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप अपने काजल को अप्लाई करते हैं, तो आपने कोई भी अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का लूज पाउडर जरूर अप्लाई करना है। मैं यहां पर लैक्मे लूज पाउडर लूंगी और इसकी हेल्प से मैं अपने आईज को अच्छे से सेट कर लूंगी। आईज को सेट करने का मतलब ये है कि मैं अपने आईज पर अच्छे से इस लूज पाउडर को लगा लूंगी, ताकि जो मेरा काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो इस तरीके से मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश, बहुत ही ध्यान से आपने करना है, बहुत ही केयरफुली करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, जो कि अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं, कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या ऑफिस गोइंग है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छी है। थर्ड जो स्टेप है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप काजल अप्लाई करें, तो अच्छी ब्रांड का ही, अच्छी क्वालिटी का ही काजल अप्लाई करें और जो काजल वाटर प्रूफ हो या जो स्पंज प्रूफ हो, ऐसे ही काजल का उपयोग करें, तो अच्छी क्वालिटी का काजल ही यूज करें। इसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं NYBA की काजल और ये काफी अच्छी काजल है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये काजल, बहुत 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 ज्यादा पसंद आया है। तो इसे मैं अपने वॉटर लाइन पर इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी। अगर आपको हाफ वॉटर लाइन पर काजल लगाना पसंद है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इनर कॉर्नर्स में काजल को अप्लाई करना है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काजल को अप्लाई करना है। तो ये देखिए, मैंने काजल को अप्लाई कर लिया है। और जो नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, वो ये है कि आपने कोई भी आई शेडो ले लेना है, ब्लैक कलर में आई शेडो लेना है आपने, और इस तरीके से स्मॉल पेंसिल ब्रश ले लीजिए। तो इसकी हेल्प से मैं ये ब्लैक कलर का जो आई शेडो है, इसे अपने वॉटर लाइन पर अप्लाई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने ये अप्लाई कर लिया है काजल को, और अब मैं आपको ये आई ड्रॉप अपनी आईज में डालकर दिखाऊंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा काजल निकला है या नहीं निकला है। तो आप देख सकते हो, आपको एक बूंद नजर आ रही होगी पानी की, ये देखिए, और मेरा काजल बिल्कुल भी नहीं निकला है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से भी आपको क्लीन कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी काजल नहीं निकला है, सिर्फ जो मैंने ड्रॉप डाली थी वही आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, नेक्स्ट मैं इसके बाद अप्लाई करूंगी बेला वॉस्टे का मस्कारा,
और ये भी काफी अच्छा मस्कारा है, काफी अच्छी लेंथ देता है आपकी आईलैशेस को। तो ये देखिए मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ना तो आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ बना रहेगा। और आप इस ट्रिक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।